संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी नहीं, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन राज्य बंटवारा होने के साथ साथ आज कहीं ना कहीं हमारा हकमारी हुआ है। तो इसके लिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो इसके लिए मात्र दो काम करना पड़ेगा। एक, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आज बताइए, हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे। ये देश पहले गुलाम था लेकिन हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके इस देश को आजादी मिला। और उन्होंने संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। और इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। आज जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिला। आज यूपी जाइए, बिहार में घूमिए, झारखंड में जाइए, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी जिला में निषाद सभे का कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण अगर मिल गया होता, काश अगर हमारे समाज में कोई योद्धा जन्म लेते और लड़ाई लड़ते संघर्ष करते तो इस समाज को आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। इसलिए साथियों, आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए क्यों लड़ेगा? आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज बताइए ना, आज आपके बच्चे कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं। आज 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, लोग घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, पानी बोतलता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब घर पे चूल्हा जलता है, घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए कितने कष्ट भरी जिंदगी जीता है? क्या उसके अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसका भी अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार है। आज जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पैरों में गुलामी के जंजीरों बंधा हुआ रहता है, गरीबी के जंजीरों बंधा हुआ रहता है। वही अगर दूसरे घर में जन्म लेता है वो एक बेहतर जिंदगी जीता है। आपके घर में बच्चा जन्म जब लेता है, जब वो बीमार पड़ता है, जब वो बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं होता इलाज कराने के लिए। फिर जब पैसा नहीं होता इलाज कराने के लिए तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके बच्चे का इलाज सही से नहीं होता, और जब अच्छा इलाज नहीं होता तो आपके बच्चे दम तोड़ देता है। अपने माँ बाप के आंख के सामने में बच्चा दम तोड़ देता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही जगह पे आप देखिए, जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है और वो अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप उनको मौत देते हैं। उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों,
इस आजाद भारत में आपके पास एक ताकत है, एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को ताकत को आप कभी पहचाने नहीं। वो शक्ति ताकत क्या है? जब देश आजाद हुआ तो देश में एक लोकतंत्र आया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उस संविधान में हमें एक ताकत दिया। वो क्या ताकत है मालूम है? वो वोट गिराने का ताकत। आपके पास वो ताकत है कि आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। बाबा साहब ने कहा, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और वोट आपके पास हमारे पास है, लेकिन आपने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा। आप अपना वोट को 200 रुपया में बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। और जिन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा, वो देखिए अपने समाज को कितना आगे पहुंचाया, अपना भी नाम इस देश में रोशन किया, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग अमीर घर में जन्म लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी अपने वोट को ताकत को समझे तो लालू प्रसाद यादव जी ने दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी थे और आज भी उनकी सरकार सत्ता पावर में है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पर परिवर्तन हुआ। कोई लालू जी या पासवान जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी साधारण घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे, जिसका कारण कि 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए साथियों, वो ताकत आपके पास भी है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम सात समुद्र पार जा सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु आपके पास अपना पार शक्ति है, आप सात समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं, जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो सात समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है, बिहार में निशान के बेटा के पास है। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, एक साथ हो जाइएगा, तो पटना क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों? सिर्फ इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 9 साल को 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष की बदौलत, मेहनत की बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बच्चे को, परिवार को छोड़कर पिछले 10 सालों से आपके हक अधिकार के लिए बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। एक समय था मजबूर था, माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया मेहनत मजदूरी करने के लिए, जब हमारे पास सब कुछ था, घर था, गाड़ी था, बंगला था, हर चीज था, उसके बाद भी हमने अपने बच्चे को, परिवार को छोड़कर आज पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन हमें खुशी है कि पिछले 10 सालों में हमने आरक्षण तो नहीं ले पाया, लेकिन बिहार में हमने कम पहचान नहीं बनाया, अपनी ताकत का एहसास कराया,
तब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है, मल्लाह का मतलब होता है शासन करना। मैंने दिखाया तब तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये पहचान हमने बनाया। आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद भारत में हिंदुस्तान में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। 4 ही विधायक था लेकिन सरकार का चाबी मेरे जेब में था, किसी के पास 74 था तो हमारा 4 विधायक कम नहीं था। अगर 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था। और आजाद भारत में पहली बार एक निषाद के बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। और ये कैसे हुआ? जब मैं मैदान में उतरा तो आपने हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा परिवर्तन हुआ। हर एक निषाद के बेटा ने अपना दल अपने नेता को जानने पहचानने लगा, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ। इसलिए साथियों, जिस तरीके से आप एकता के साथ आए हैं, इसी तरीके से एकता के साथ रहिए, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे बदलाव होगा। आज आपने देखा ना कि जो 75-77 साल में कभी नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। और ये कैसे हुआ? जब 2018 में गांधी मैदान में रैली करने के समय में जब पार्टी हमने लॉन्च किया था, यही बगल में 2 किलोमीटर दूर में जब हमने सभा किया तो हजारों का हजार संख्या में अररिया के सभी नेता ने वहां पे मजबूती से दिखाया और एक बड़ा संदेश दिया कि सन्ना पल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जब आपने ऐसा किया तब पटना से लेकर दिल्ली तक सभी लोगों ने घबराया और वो जानने लगा, पहचानने लगा कि बिहार में एक ही नेता है निषाद समाज का, हुआ है सन्ना पल्ला, और वो हमारे सामने में झुका। आज हमारा 100 दिन के आसपास होने के लिए जा रहा है, लेकिन हम जब 30 दिन ही हुआ तभी इसे संकल्प यात्रा, तभी से दिल्ली का कुर्सी हिलने लगा, परेशान होने लगा। आज हमें खुशी होता है कि एक मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा आपके घर से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, ये हमें खुशी मिलता है। और इसी तरीके से एकजुट रहिएगा, साथ रहिएगा तो आपका आरक्षण होगा, और जब आपका आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर भी होगा और SP भी होगा, STO, PDO, डॉक्टर, इंजीनियर होगा। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बस से पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपका समाज में बदलाव आएगा। आज मैं इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंच गया, इसके लिए मैंने तो बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, तब आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आप भी अगर संघर्ष कीजिएगा, जो जगह पे हम पहुंच सकते हैं उस जगह पे आप क्यों नहीं पहुंच सकते, आप भी पहुंच सकते हैं। जिस जगह पे लालू प्रसाद यादव जी पहुंचे क्या उस जगह पे निषाद का बेटा नहीं पहुंच सकता? उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं। ये जरूरी है कि हमें एकता के साथ रहना, अपने वोट को ताकत को समझना, अपने नेता अपने दल के साथ खड़ा होना। और जिस वजह आप खो जाइएगा उस जैसे लालू प्रसाद यादव जी अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, उस तरह निषाद का बेटा भी अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहता है कि निषाद का बच्चा हमेशा हमारा गुलामी करते रहे, हमारे खेत में काम करते रहे। ये निर्णय आपको लेना है कि आप अपना बच्चे को गुलामी कराना चाहते हैं कि सर उठा के जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। अगर सर उठा के जीना चाहते हैं तो इसीलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। इसलिए साथियों, हम संकल्प यात्रा के तहत निकले हैं और संकल्प यात्रा में आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए हम अपने नेता, अपने
पार्टी अपने दल के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, नहीं आपको बनना है, नहीं हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इस नारा पे आपको काम होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जो समाज संगठित हुआ है वो समाज देखिए ना कितना आगे निकल गया। जब हमारे यादव भाई संगठित हुए, लालू प्रसाद यादव जी का आवाज पे चलने लगे, तो आप देखिए हमारा यादव भाई आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज उसकी अपनी ताकत है कि नहीं है। वैसे आजकल आपका भी आपके पंचायत में आपका मुखिया होगा, आपके विधानसभा में आपका समाज का बेटा विधायक होगा, आपका सांसद होगा, आपका दिल्ली में आपका सांसद होगा, पटना में आपका मुख्यमंत्री होगा, आपके हक अधिकार की बात करेगा। जब मैं मंत्री बना, कोसी बेसिन एक प्रोजेक्ट था जो खास करके मछुआरा के लिए कोसी में चलाया जा रहा था, 2 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था। जब हमें पता चला, हमने नया 200 करोड़ रुपया देके प्रोजेक्ट को हमने चालू कराने का काम किया। 3 साल का एक्सटेंशन हमने दिया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका भाई आपका बेटा मंत्री बन गया था, और जब हम मंत्री बने तो 90% अनुदान का हमने स्कीम बना दिया। अगर कोई मछुआरा निशांत का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो सिर्फ 1 ही लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार को भरना पड़ता। हमने ऐसा योजना बनाया। ये योजना कैसे बना? पटना में हर साल 1,65,000 करोड़ का बजट बनता है, और जब बजट बनता है वो खजाने का पास आपका बेटा आपका भाई नहीं है, जब रहेगा तब आपके लिए लेके देगा। अच्छा, मैं उस खजाने के पास पहुंच गया तो मैं सोचने लगा कि अपने लोगों तक कैसे पहुंचेगा, और मैं वही काम करता था जो समाज का हित होगा। आज आपने देखा जाति आधारित गणना हुआ है, बिहार में सिद्ध हो गया कि अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या यादव भाई का है 14%, तो दूसरा नंबर पे निषाद का बेटा है जो 10% है। अगर 1,65,000 करोड़ का अगर बजट बनता है तो उसका 10% हिस्सा कितना होता है मालूम है? 26,000 करोड़ रुपया आपका बजट होता है, और 26,000 करोड़ रुपया आपके पीछे खर्चा होना चाहिए, लेकिन आपका नेता नहीं रहने के कारण 26,000 करोड़ तो छोड़िए, 2600 करोड़ रुपया खर्चा नहीं होता है, यानी कि 600 करोड़ रुपया नहीं खर्चा होता है। 26,000 करोड़ तो दूर की बात है, आपका हिस्सा दूसरा लोग खाता है। अगर वहीं पे अगर मजबूत वहां पे बैठे रहिएगा तो आपके हक अधिकार की बात होगा। इसलिए साथियों, अपनी ताकत बनाइए, अपनी वोट को पहचान बनाइए। आज देश में जिसके पास वोट है वही महान है। आपने देखा ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने उनको बना के दिया और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया। आज बिहार में ब्राह्मण भूमिया लाला 8 लाख से कम कमाने वाले लोग गरीब हो गए, उनको 10% आरक्षण मिलने लगा, उनका बेटा कलेक्टर बनने लगा। लेकिन आपका बेटा जो 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता है, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन भारत सरकार की नजरों में वो गरीब नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बदलाव लाना पड़ेगा। आपने साबित किया ना बिहार में कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, राजनीति भी कर सकता है। हमने दिखाया ना, सिर्फ जरूरी है एकजुट होना, पार्टी के लिए काम करना, मेहनत करना, अपने लोगों को समझाना, आने वाला पीढ़ी के लिए बच्चे को पढ़ाना लिखाना समझाना, एकता के साथ रहना, अपने नेता अपने दल के साथ खड़ा रहना, संगठन के साथ रहना, किसी के साथ अगर गलत होगा उसके साथ मजबूती से खड़ा होना, अगर कोई तकलीफ में है तो 10 रुपया उसके पीछे खर्चा करके उसको इलाज कराना, और ताकि ये समाज आगे बढ़ेगा। आज लोग हमें कहता है किसानी जी आप इतना बड़ा नेता हो कि एक जात की बात करते हैं, हम कहते भाई हम एक जात की बात नहीं करते, हम जो निषाद की बात करते हैं ये निषाद हमारे लिए कोई जात नहीं है, ये निषाद हमारा परिवार है, मैं अपने परिवार की बात करता हूं।
आपके विभाग की बात करना कोई गुनाह नहीं है। तीसरे साथियों, आप अपने समाज के, अपने घर परिवार के लोगों, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए आपने लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज तक 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया, और आने वाला 100 साल तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए मैं इसलिए लड़ने के लिए आया कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मैं निषाद का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं सर मैं पढ़ा हूं। अगर मैं वही भूमिहार का बेटा होता, ब्राह्मण घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। आपने देखा ना, आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया, मंत्री बना, अपने दम पर अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपका दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो देखा कि बिहार में ये निशान तमाम सोया हुआ शेर है, ये तो थोड़ा सा जगा दिया तो आप 4 विधायक बना लिया। अगर पूरा अगर बिहार में निशान समाज को जगा देगा तो अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज का आवाज को दबाओ। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन चुका है और उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, फिर हमको रोड पे ला दिया। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। क्योंकि आज आपका, आज तक आप गुलाम बने हैं, कल आप मालिक बन जाइएगा, उनको ये डर है। और जब आप मालिक बन जाइएगा तो उसके खेत में कैसे काम कीजिएगा? उनको ये डर है कि जब आप मालिक बनिएगा तो उसके खेत में काम नहीं कीजिएगा। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, वो तो कहते हैं कि सहनी जी हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आइए, अगर मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा 2025 में। वो आ गए हमारे सामने झुक रहा है। लेकिन हमने कहा भाई हम मां का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। ये चाहता है कि मुकेश सहनी का बड़ा नाम फेम हो गया, इनको बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो कहेंगे वो सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो इसको हटा देंगे। एक तरफ से जात भी गया, एक तरफ से भात भी गया। तो भाई भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए। जात है तो भात नहीं जाएगा। वो सोच रहा है कि पहले जैसा गुर्बक निषाद बहुते नेता हुआ करता था, अपना फायदा के लिए जिधर बोलता था उधर पहुंच जाता था, वही आज भी सोच रहा है। उनको ये नहीं मालूम है कि हम बिहार से मछली मारते मारते बॉम्बे जैसे शहर जाके आ गए। दुनिया देख रहे हैं कि दुनिया कैसे चलाया जाता है, हमको पता है। इसलिए साथियों, सिर्फ आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमने संकल्प लिया है, जब तक आरक्षण ले ले लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। मुकेश सहनी जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद। आने वाला समय में चुनाव है। आज हमारे पास वही शक्ति पावर है जो हमसे दोस्ती करेगा। यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है, और जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये ताकत हमारे पास है। जो जरूरी है एकता के साथ रहना, अपने वोट को, ताकत को समझना, और इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और बदलाव आएगा। इस साथियों, इस देश में जो पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो पावर है। आज आपके पास पावर नहीं होगा ना, थाना पुलिस में मारेगा भी ना कोई जाएगा, तो आप जाइएगा थाना पुलिस, जाइएगा ना थाना में पैसा ले लेगा लेकिन आपका काम नहीं करेगा। वही अगर आपका पावर होगा तो आपको उंगली उठाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको उंगली उठाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? अरे भाई पीछे भी, पीछे पेड़ के नीचे जो लोग हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, भाई क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी है, अररिया में जोश है। एक तो हम भी आप लोग से क्षमा मांगते हैं कि पटना से बहुत दूर आप लोग हैं और हमको आने में बहुत दिक्कत होता है, 6-8 घंटा लगता है, और इसी का कारण है कि हम बहुत लेट से आते हैं, 2-3 साल पे आते हैं। लेकिन आने वाला समय में क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर है, 3-3 राज्य का राजनीति हम लोग करते हैं, यूपी बिहार झारखंड में सब जगह जाना आना होता है, आपके इधर कम आना जाना होता है। लेकिन आने वाला समय में हमारा जो अड्डा होगा वो कोसी होगा,
और कोशिश में हम लोग आने वाला समय में बहुत काम करेंगे। इसलिए साथियों आने वाला समय में हम लोगों का आप लोगों से बीच बीच में आना जाना बना रहेगा। प्रभारी भी हमने नियुक्त किया है परमदेव चौधरी जी को, वो ज्यादा से ज्यादा समय आपके क्षेत्र में देंगे और एक एक गांव में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ संकल्प लेने के लिए तैयार है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संकल्प इसलिए हम आप लोग को करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाला जो है ना उसको गलतफहमी का शिकार है। उसको लगता है कि निषाद का बेटा कितना भी चिल्ला ले बोल ले, जब चुनाव का समय आएगा तो इसका समाज का 200 रुपया हम वोट भेज देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना वोट बेचेंगे नहीं, ऐसा बताना पड़ेगा। और जब आप बताइएगा तो वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो मोदी जी को रात में पहुंच जाएगा और फिर मोदी जी देखेंगे कि अररिया में निषाद का बेटा माता बहन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, अपने पति के लिए, अपने नेता के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा वो देखेंगे। और जब वो देखेंगे तो घबराएंगे डरेंगे, और जब डरेंगे घबराएंगे तो जल्दी से जल्दी निषाद का आरक्षण लागू करेंगे। इसलिए सभी जितने भी यहाँ पे माता बहन है संकल्प लेने का समय आ चुका है। तो जितना भी आपके पास एक गंगा जल का बोतल आया होगा आप सभी माता बहन सब निकालिए। जो यहाँ निषाद के माता बहन है, जो नौजवान साथी है, जहाँ पे भी हमारी आवाज जा रही है वो सभी लोग निकालिए, नेता लोग को भी निकालिए, सभी लोग नेता लोग को निकालिए, जितने भी निकालिए और थक्कन में घूमिए, थक्कन में घूमिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊंचा कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आए कि निषाद के माता बहन सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे का हक अधिकार के लड़ेंगे। तो सभी लोग निकाल लिए, चलिए हाथ ऊपर कीजिए और जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरा निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुप्पा सानी, तिरंगा भूगोल देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक मिसाल के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण, माता बहन, नौजवान साथी, आप सभी ने संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने संकल्प लिया है कि हम समाज के एकता के लिए आधी रात को भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने ऐसे संकल्प लिया है और जितने भी नौजवान है आपने संकल्प लिया है कि आने वाला समय में एक एक गांव में जाकर अपने लोगों को जागरूक कराएंगे और संकल्प कराएंगे। और आपने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट को अपनी ताकत की ओर बढ़ाएंगे और आने वाला समय में आरक्षण लेकर आएंगे। इसके लिए संगठन पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जिला कमेटी के जितने भी नेतागण हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, आप सभी को धन्यवाद। और जितने भी युवा साथी मोटरसाइकिल से